दोस्तों, मैं हूँ माधुरी। ओरिजिनल फूड रेसिपी बाय माधुरी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ ब्रेड पकोड़ा। और देखिए, ये मैंने ब्रेड पकोड़ा की रेसिपी तैयार करके रख ली है। ये देख सकते हैं आप, ये पालक है, ये प्याज है, मैंने थोड़ी सी पालक ली है, चार पांच मैंने प्याज काट लिया है। ये देखिए, ये हरी मिर्ची है, धनिया है, और ये खड़े धना है। और ये देख सकते हैं आप, ये काला नमक है जो मैंने 2 चम्मच से ज़्यादा ले लिया है, आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। ये 2 चम्मच धनिया पाउडर है, ये अजवाइन पाउडर, अजवाइन है, मैंने 2 चम्मच अजवाइन ले ली है, ये थोड़ी सी हींग है। तो ये सारा का सारा मसाला हम इसमें बेसन में ऐड करेंगे। ये देखिए, ये बेसन ले लिया है मैंने, ये लगभग 500 ग्राम बेसन है। और इसमें मैं ये सारी चीज़ें मिलाऊंगी। इसके बाद मैं मिलाने के बाद इसे घोलूंगी। तो चलिए पहले मिला लेते हैं और पानी से इसे घोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारा सारा सामान मिला लिया है और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तो 1 गिलास मैंने पानी लिया है, मैंने इसमें सारा डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे हम, और इसे थोड़ा पतला ही हमें बनाना है, एकदम गाढ़ा नहीं करना है, जितने में हम भजिया निकाल सकें और साथ में ब्रेड पकौड़ा भी। ये देखिए दोस्तों, मैंने इतना पतला घोल कर लिया है इसका, देख सकते हैं आप। ये देखिए, इतना पतला ही आपको बनाना है, लगभग इसमें 2 गिलास पानी ऐड हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसको रख देती हूँ थोड़ी 10 मिनट के लिए। इसके बाद इससे हम ब्रेड पकौड़ा बनाएंगे, इसमें कटिंग करके ब्रेड डालेंगे और उनको तलेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, लगभग 250 ग्राम से ज़्यादा ऑयल है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये देखिए, मीडियम फ्लेम रखना है हमें गैस का, ये देख सकते हैं आप। और ये देखिए, मैंने ये ब्रेड काट कर रख लिए हैं, इस तरह से आपको काट कर रख लेना है ब्रेड। और ये जो बैटर बनाया है ब्रेड तलने के लिए, तो अब इसमें एक, ये देखिए, एक इस तरह से ये ब्रेड लिया और इसको डब किया दोनों साइड से, और इसे लेके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए, ब्रेड पकौड़ा तलने के लिए इसी तरह से हमें सारे ब्रेड पकौड़ा तल लेने हैं, देख सकते हैं आप। ये देखिए, तो इसी तरह से हमें सारे ब्रेड पकोड़ा बनाने हैं और मीडियम आंच पर ही इन्हें तलना है, और थोड़ी देर बाद इन्हें पलट देना है, लगभग 1 मिनट बाद। ये देखिए, 4-4 पीस डाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ब्राउन हो चुके हैं, दोनों साइड से बढ़िया तल चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं, ये देखिए आप। तो इसी तरह से सारे ब्रेड पकोड़े जितने भी आपको बनाना है, हम सारे तल लेंगे। ये देखिए, इनको हम निकाल के अलग प्लेट में रख लेते हैं। चलिए दोस्तों, ये देखिए, बन चुके हैं ब्रेड पकोड़े। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये रेसिपी। ओके, जय हिंद, जय